गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके गाइस, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग पे, सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स, एंड हमने टॉपिक पिक किया था कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड इन लास्ट क्लास हमने कुछ टाइप ऑफ कॉस्ट को डिस्कस कर रहे थे। कॉस्ट बाइफ्रिकेशन पे डिस्कशन था। कॉस्ट बाइफ्रिकेशन जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम करते हैं। सो रिकैप ले लें एक बार। सबसे पहले कॉस्ट बाइफ्रिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। सेकंड, कॉस्ट बाइफ्रिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विद प्रोडक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट, दैट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम ले रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड्स। और नेक्स्ट बाइफ्रिकेशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, एंड फंक्शन के बेसिस पे हमने कॉस्ट को बाइफ्रिकेट किया था, ओवरहेड्स को बाइफ्रिकेट किया था, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें आप और भी एड कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शन, जैसे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बाइफ्रिकेशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने बाइफ्रिकेशन लिया था ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी, नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट। देन हमने बाइफ्रिकेशन लिया था ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, एसोसिएशन विद प्रोडक्ट, पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। एंड आवर लास्ट डिस्कशन वॉज ऑन कॉस्ट दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजरियल डिसीजन, और उसमें हमने एक कॉस्ट इम्प्यूटेड इम्प्लाइड नोशनल कॉस्ट की बात की थी, और उसके अपोजिट हमने एक्सप्लिसिट या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट की बात की थी। तो उसी सीरीज में, उसी के कंटिन्यूएशन में फर्दर कुछ टाइप ऑफ कॉस्ट और देख लेते हैं जो मैनेजरियल डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सच कॉस्ट आर, वन फर्स्ट फॉर टुडे इज संक कॉस्ट। तो आज का पहला डिस्कशन, पहली कॉस्ट, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब क्या है? नाम से क्लियर है, संक डूब गया। मतलब सर ऐसा कोई कॉस्ट दैट इनकर्ड इन पास्ट, जो पास्ट में हो चुकी है, और अब वो कॉस्ट आपके फ्यूचर डिसीजन से रिकवर नहीं होगी, या फ्यूचर डिसीजन से वो कॉस्ट चेंज नहीं हो सकती। That is known as sunk cost. Cost incurred in past that will not affect future decision कैसे? Example लेते हैं। मैंने ये decide किया मुझे एक मशीन परचेस करना था, या मुझे एक पीसी परचेस करना था, या एक मुझे लैपटॉप खरीदना था, कुछ भी लेते हैं, मशीन खरीदना था, लैपटॉप खरीदना था। मेरे पास उस वक्त जो चॉइस नहीं थी, मैंने एक लैपटॉप परचेस कर लिया, सपोज ए लैपटॉप परचेस कर लिया एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। ठीक है, मैंने एक लैपटॉप परचेस कर लिया एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। एक साल हो गया, एक साल बाद वो लैपटॉप मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है, लेकिन फर्दर मेरे पास एक और चॉइस आती है, एक और बेटर ऑप्शन आता है आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ, ले लेते हैं एक साल भी नहीं, आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ मेरे पास एक और बेटर चॉइस आती है। एंड दैट बेटर चॉइस कि आपको लैपटॉप बी लेना चाहिए, लैपटॉप बी, इट्स बेटर देन ए। बट जब मैं लैपटॉप बी की कॉस्ट को कंपेयर करूंगा, या लैपटॉप बी की परचेज की डिसीजन को इवैल्यूएट करूंगा, तो क्या ये 50,000 जो मैं ऑलरेडी लैपटॉप ए पे एक्सपेंड कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं खरीद चुका हूं, क्या ये वापस मिल जाएंगे? क्या ये कंपेरेबल है कि सर बी को ए से कंपेयर करो, बी का कॉस्ट 60,000 है, ए का कॉस्ट 50 है, ए ही बेटर है, सॉरी ए का कॉस्ट 50 अब नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू पे 50,000 फॉर ए, दैट यू ऑलरेडी इनकर्ड, वो ऑलरेडी पे कर चुके हो आप, ऑलरेडी इनकर हो चुका है पास्ट में, तो वो रेलेवेंट नहीं है।
वो कंपैरिजन ही रेलिवेंट नहीं है, कॉस्ट कंपैरिजन ही रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये 50 वापस रिकवर नहीं होंगे आपको। क्वाइट पॉसिबल कि आपको 40,000 में ही ये पुराना लैपटॉप सेल होगा, तो आपका कंपैरिजन यहां से होना चाहिए, ना कि 50 और 60 से। एक और, मुझे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कंपनी सबसे पहले क्या करती है, सीधा प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में सप्लाई कर देती है? नहीं सर, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम उस नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले मार्केट का एक सर्वे करेंगे। मार्केट सर्वे सर, हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट चेक करेंगे और उन पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे, पब्लिक की प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, उनके टेस्ट एंड उनकी प्रायोरिटीज के बेसिस पे हम वो प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे और फिर मार्केट में सप्लाई करेंगे। ओके, तो पब्लिक प्रेफरेंसेस चेक करने के लिए हमने सर्वे किया एंड इन दैट सर्वे सपोज मेरा 50,000 रुपीज खर्च हो गया, आई एक्सपेंड 50,000 रुपीज इन दैट सर्वे प्रोसीजर। अब आई हैव टू डिसाइड कि दैट प्रोडक्ट शुड बी लॉन्च्ड और नॉट, क्या मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आऊं या नहीं, वो मुझे डिसाइड करना है। अब आपका डिसीजन चाहे कुछ भी हो कि वो प्रोडक्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, आपका डिसीजन कुछ भी हो कि वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्या ये 50,000 वापस मिल जाएंगे? क्या ये 50,000 आपके डिसीजन के लिए रेलिवेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 50,000 हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं, हम ये 50,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब ये 50,000 तो वापस नहीं आने वाला, डिसीजन चाहे आपका कुछ भी हो। सच कॉस्ट, सच टाइप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज संक कॉस्ट, डूब गया। अब डिसीजन आप कुछ भी लीजिए, वो डिसीजन आपकी ये कॉस्ट रिकवर नहीं करेगा, तो इसलिए संक कॉस्ट के लिए हमेशा ध्यान रखिए, कॉस्ट दैट इनकर्ड इन पास्ट, पास्ट में जो कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो वो आपके फ्यूचर डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती है या फ्यूचर डिसीजन के लिए रेलेवेंट नहीं होती। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट कॉस्ट लेते हैं आज की। नेक्स्ट कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Our next cost for today's discussion is opportunity cost. What is opportunity cost? Meaning के form में लिखना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं profit foregone on any alternative option due to selection of next option या other option। क्या मतलब? यह है profit foregone, यानी हमारा profit का loss, यानी हम profit गवा रहे हैं। क्यों गवा रहे हैं? क्योंकि सर हमने एक ऐसा option select किया है, हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमने से दो में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यदि मैं किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं तो उस अदर ऑप्शन में होने वाला प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि आई कैन चूज वन आउट ऑफ टू। तो वट एवर प्रॉफिट आई एम सेक्रीफाइजिंग इन दैट अदर ऑप्शन विल बिकम कॉस्ट ऑफ दैट अदर ऑप्शन। मतलब सपोज आई एम डूइंग ए जॉब एंड गेटिंग अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, I'm doing a job and getting a salary of 30,000 per month. Now, I decides to start a business. मैंने सोचा है जॉब नहीं करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे उस बिजनेस में फर्स्ट ईयर में 50,000 का प्रॉफिट हुआ। मुझे उस बिजनेस से फर्स्ट ईयर में 50,000 का प्रॉफिट हुआ। Can I say one thing? कि भाई प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 50,000। पहले तो कंपेयर करते हैं, जॉब से बिजनेस बेटर है? यस, जॉब से बिजनेस बेटर है क्योंकि जॉब से ज्यादा रिटर्न आया है। बट क्या आप कह सकते हैं बिजनेस का प्रॉफिट 50,000 है? नो,
बिकॉज इस बिजनेस को करने के लिए आपने अपनी जॉब सेक्रीफाइस की, जॉब में मिलने वाला 30,000 रुपीज का सैलरी सेक्रीफाइस किया, तो ड्यू टू दैट बिजनेस आप सिर्फ 20,000 अर्न कर रहे हो। उस बिजनेस को करके आप एडिशनली सिर्फ 20,000 रुपीज अर्न कर रहे हो, क्योंकि आपने उस बिजनेस को करने के लिए अपनी जॉब सेक्रीफाइस की। तो इस जॉब में जो प्रॉफिट होने वाला था वो उस बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। एक और बेटर एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल है, कॉस्टिंग रिलेटेड एग्जांपल है। सी आप इंटर लेवल पे जाएंगे तो ये पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा, लेकिन मुझे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन करना है बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए लिसन। मैं एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं, या मैं एक पार्ट ऑफ माय प्रोडक्ट अपने इन हाउस में बनाना चाह रहा हूं, मैं एक पार्ट ऑफ प्रोडक्ट अपने इन हाउस में बनाना चाह रहा हूं, मतलब मैं एक प्रोडक्ट अपने बिजनेस में एक प्रोडक्ट बनाता हूं जिस प्रोडक्ट के लिए मुझे एक पार्ट की जरूरत है। सर, पार्ट भी अपनी फैक्ट्री में बना लिया जाए ज्यादा बेटर है, ठीक है सर। पार्ट बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सपोज दैट पार्ट अवेलेबल इन मार्केट, मैं उसे परचेस करता हूं तो उसको परचेस करने का कॉस्ट आता है 20 रुपीज पर यूनिट, बाजार में 20 रुपीज में मिल रहा है। मैंने कहा चलो इसको अपनी फैक्ट्री में बना ले, सस्ता बन जाएगा। तो हमने मालूम किया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, तो सर मटीरियल लगेगा 5-10 रुपीज का, लेबर लगेगी, मटीरियल लगेगा 10 kg एट द रेट ऑफ, मटेरियल लगेगा 2 kg एट द रेट ऑफ 5, लेबर लगेगी 2 hr एट द रेट ऑफ 10। थोड़ा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाते हैं, 50 में मार्केट में मिलता है, और अदर एक्सपेंसेस जो इस पार्ट को बनाने के लिए खर्च होंगे वो 10 rupees के खर्च होंगे। तो हमने कैलकुलेट किया हमारी कॉस्ट आ रही है 40 rupees। क्या डिसीजन आता है सर? बहुत क्लियर डिसीजन है, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि बेटर है इस प्रोडक्ट को बना लिया जाए, क्योंकि मार्केट से 50 rupees में मिल रहा है और बनाने में सिर्फ 40 rupees खर्च हो रहा है, तो इट इज बेटर टू मैन्युफैक्चर इट। वेरी गुड, बहुत सिंपल सा डिसीजन लग रहा है यहाँ पे। मैंने कहा यार बात तो सही है, बनाना सस्ता है, एक काम करते हैं शुरू करते हैं प्लानिंग। सर मटेरियल मिल जाएगा मार्केट में? बिल्कुल 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 अवेलेबल है। सर व्हाट अबाउट लेबर? वर्कर्स है ना यार अपने पास, अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स है। सर दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट फ्री, मतलब सर एक्चुअली दे आर एंगेज्ड इन एनी अदर प्रोडक्ट, वो दूसरा काम कर रहे हैं, वो बिजी हैं। तो यार 2 घंटे तो उनको निकालने पड़ेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने में। सर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यदि मैं 2 घंटे उस वर्कर को फ्री करके आपको दे दूंगा तो वो मेरा काम अटक जाएगा, मेरा काम 2 घंटे नहीं होगा, और मेरे जिस काम पे वो बंदा लगा हुआ है, वो वर्कर जिस प्रोडक्ट को मेरे लिए बना रहा है वो फुल डिमांड में है, उसको मैं यदि 2 घंटे रोक दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरा सेल कम हो जाएगा। अच्छा चेक कर लेते हैं, ठीक है चेक किया। बोले क्या कर रहा है वो? बोले सर वो जो प्रोडक्ट बना रहा है ना, उस प्रोडक्ट को बना के, या वो जो बंदा जो काम कर रहा है उसको काम करके 1 घंटे में, उसको काम करके 1 घंटे में 10 रुपए अर्न कर रहा हूं मैं। मेरा जो वर्कर है वो एक्चुअली जिस काम को अभी कर रहा है हमारी फैक्ट्री में, उसमें उसके 1 घंटे काम करने से 10 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है हमें। आप कह रहे हैं कि मैं उसको 2 घंटे के लिए आपके लिए फ्री कर दूं, यदि मैंने उसको 2 घंटे के लिए आपके लिए फ्री कर दिया तो मेरा 20 रुपीज का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, मेरा 20 रुपीज का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। दैट मींस वी विल लूज प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस न्यू प्रोडक्ट, वी विल लूज प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज इन करंट प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस न्यू प्रोडक्ट। तो ये जो 20 रुपीज है, ये 20 रुपीज यहां की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, ये 20 रुपीज यहाँ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। इसका मतलब यदि मैं वो पार्ट घर में बना रहा हूँ, फैक्ट्री में बना रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट 40 नहीं है,
60 है, 40 बनाने का कॉस्ट और बनाने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट पे होने वाला 20 रुपीस का लॉस वो ऐड कर दूं तो 60 रुपीस का कॉस्ट आ रहा है। सर काम कीजिए, उसको वहीं काम करने दीजिए, हम ये तो मार्केट से ही खरीद लेंगे। गेटिंग इट, बात समझ में आ रही है ना? यस। तो ये है आपका नंबर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पे हमने कुछ मेजर मेजर कॉस्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे चल के इंटर लेवल पे जाके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उनका कुछ इंट्रोडक्शन हमने यहां समझा। टाइप ऑफ कॉस्ट, बाइफ्रिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। नाउ कॉस्ट हमने समझ लिया कि कॉस्ट में क्या ले रहे हैं, क्या होता है। अब इन कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के सिस्टम, जिन्हें हम कॉस्टिंग मेथड्स बोलते हैं, कॉस्टिंग टेक्निक्स बोलते हैं, उनका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो लेट्स मूव ऑन योर स्टडी मटेरियल पार्ट और वहां चल के देखते हैं कि कौन से स्टडी हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स मतलब ये है सर, कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, अब उस कैलकुलेटेड कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का या अलग, क्या सर हर तरह के बिजनेस में, हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग में, हर तरह की एक्टिविटी में, सर्विसेज में कॉस्ट कैलकुलेट करना और उन्हें रिकॉर्ड करना, उन्हें एनालाइज करने का एक ही तरीका होता है? नहीं, इट्स नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए अलग अलग मेथड्स आर अवेलेबल, अलग अलग टेक्निक्स आर अवेलेबल। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नेचर ऑफ सर्विस के बेसिस पे हम अलग अलग मेथड और टेक्निक यूज करते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और उन नंबर ऑफ मेथड्स में द फर्स्ट वन इज जॉब कॉस्टिंग। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ यहां चलते चलेंगे, हर कॉस्टिंग मेथड का नाम, हर कॉस्टिंग मेथड की यूटिलिटी, कहां वो काम में आता है, किस प्रोडक्ट के लिए हम उसको यूज करने वाले हैं, दैट वी विल डिस्कस। जॉब कॉस्टिंग, ऐसा कोई भी बिजनेस जहां पे जो काम होता है वो जॉब की फॉर्म में होता है, जॉब की फॉर्म में मतलब जहां पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं है, जहां पे हर एक नया काम एक यूनिक होता है, एक यूनिक जॉब होता है, वो खत्म होता है, फिर कोई नया आएगा तो वो एक अगले इंडिविजुअल जॉब होगा। एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी सर्विस करवाने के लिए गए शोरूम में या सर्विस सेंटर पे, तो याद कीजिए यदि आप अपनी बाइक या अपनी व्हीकल को सर्विस सेंटर पे सर्विस के लिए लेके गए हैं, वहां पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आप गाड़ी लेके जाते हैं और वहां सर्विस करवाते हैं तो एक टर्म आपने सुनी होगी, जॉब कार्ड। वहां बोलते हैं, अरे यार जॉब कार्ड लेके आना। क्या है ये जॉब कार्ड? सर जॉब कार्ड इट्स अ सॉर्ट ऑफ कार्ड जिसमें जैसे आप अपनी व्हीकल को सर्विस के लिए देते हो वो एक कार्ड निकालता है जिसमें आपका व्हीकल का नंबर लिख देता है, कौन उसे ऑपरेट कर रहा है, कौन उसके साथ डील कर रहा है, उसका नाम, डेट, टाइम सब नोट कर देता है। अब जैसे जैसे आपके उस बाइक पे वर्किंग होने लगती है, सर इसमें एक पार्ट की रिक्वायरमेंट है, पार्ट स्टोर रूम से जाएगा सर्विस सेंटर में और उसकी एंट्री आपके उस कार्ड पे कर दी जाएगी, ये पार्ट लगा, इतना ऑयल डला, ये सर्विस किया, इसने इतना लेबर लगा, इसमें ये काम हुआ, वो सब उस कार्ड में रिकॉर्ड करते जाएंगे। और जब आप वापस जाएंगे तो उस कार्ड को निकाल के वहां टोटल करके चेक किया जाएगा कि आपके लिए क्या क्या उन्होंने सर्विस दिया, आपके लिए क्या क्या काम किया, उनका कितना एक्सपेंसेस हुआ, उसमें अपना प्रॉफिट एड करके वो आपसे चार्ज कर लेंगे। क्या जो आपकी बाइक का कॉस्ट आया, सर्विस कॉस्ट आया, या आपकी बाइक पे जो एक्सपेंसेस हुआ, क्या सभी बाइक्स पे वही तरीके से होता है? नहीं सर, हर बाइक की सर्विस में जो कॉस्ट आती है वो डिफरेंट आती है। हर बाइक
जब सर्विस सेंटर पे जाती है तो उस पर कुछ अलग काम होता है, तो हर बाइक के लिए उन्हें कॉस्टिंग, उन्हें रिकॉर्ड अलग मेंटेन करना पड़ेगा। यस यस, ईच बाइक इज अ जॉब फॉर देम। तो वहां पे वो जॉब कॉस्टिंग यूज करेंगे, जहां इंडिविजुअल जॉब के बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट होती है, नॉट फॉर ऑल जॉब्स। सिमिलरली जैसे प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, हम प्रिंटिंग असाइनमेंट दे रहे हैं किसी को, प्रिंटिंग असाइनमेंट में क्या होता है, मैंने एक बुक प्रिंट करवाना है, मैं प्रिंटर के पास जाता हूँ, मैं फोटोकॉपियर के पास जाता हूँ, मैंने यार बुक प्रिंट करनी है, तो उस बुक में कितने पेपर्स होंगे, कितने पेजेस लगेंगे, कितना उसमें इंक लगेगा, कितना उसका बाइंडिंग प्रोसेस होगा, क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ उस पर्टिकुलर असाइनमेंट, उस जॉब के लिए कैलकुलेट होगा। यस, क्या वहां पे जो कॉस्ट आ रही है वही कॉस्ट सिस्टम सभी पे लगा सकते हैं, सारे प्रिंटिंग असाइनमेंट्स पे लगा सकते हैं? नहीं, तो वहां पे भी जॉब कॉस्टिंग फॉलो। इन शॉर्ट, आप यूं बोले, मेथड यूज इन फर्म विच वर्क ऑन बेसिस ऑफ जॉब वर्क, जहां जॉब वर्क होता है, जहां पे हर वर्क अपने आप में एक इंडिविजुअल वर्क होता है, वहां पे जो कॉस्टिंग सिस्टम या मेथड यूज किया जाता है उसे हम जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। यहां पे यूनिट्स नहीं होते, यहां जॉब्स होते हैं, इंडिविजुअल जॉब्स होते हैं, उन इंडिविजुअल जॉब्स की इंडिविजुअली उनकी स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, उसमें अपना मार्जिन प्रॉफिट ऐड किया जाता है और उसका सर्विस चार्ज या सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड इज बैच कॉस्टिंग। सेकेंड इज बैच कॉस्टिंग। व्हाट बैच कॉस्टिंग इज, बैच कॉस्टिंग क्या होता है? तो बैच कॉस्टिंग का मतलब ये कहां अप्लाई होता है, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर वहीं से आपको क्लिक होने लगेगा। नॉर्मली ये अप्लाई होता है जहां एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो होता है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब बनता जा रहा है, बिकता जा रहा है, बनता जा रहा है, बिकता जा रहा है, डिमांड आ रही है, बन रहा है, बिक रहा है, डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्शन नहीं होता, कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल लेता हूं, आपने जब भी मेडिसिन खरीदा तो मेडिसिन का एक बॉक्स, कोई भी मेडिसिन बॉक्स आपके पास हो तो आप उसे उठा के देखेगा, उस मेडिसिन बॉक्स के ऊपर एक बैच नंबर मेंशन होता है। बैच नंबर मतलब क्या है सर? जब कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता रहता है और यदि वहां प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई फॉल्ट हो गया, जैसे किसी मेडिसिन के कंटेंट में, किसी मेडिसिन के कंपोनेंट में या उसके सॉल्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, वो मार्केट में नहीं जानी चाहिए, वो सेल नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हार्म कर सकती है, तो कंपनी वांट्स टू स्टॉप दैट प्रोडक्शन, कंपनी वांट्स टू स्टॉप दैट आउटपुट दैट इज ऑलरेडी इन मार्केट। कैसे रोकें सर? अब हम कैसे पता चलेगा कि जो मेडिसिन खराब बनी है वो अभी बनी हो तो मालूम है, लेकिन वो कहाँ कहाँ बिकी है, किस किस के पास पहुंची है, कौन सी शॉप पे है, कौन से गोडाउन में है, ये पता कैसे चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। वहां क्या किया जाता है, जहां कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है वहां उस कंटिन्यूस प्रोडक्शन को बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मुझे 10,000 यूनिट्स बनानी है, आई विल नॉट प्रोड्यूस 10,000 इन अ रो, आई विल प्रोड्यूस 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, मतलब 1,000, 1,000 के बैचेस बनाऊंगा। पहले बैच नंबर वन स्टार्ट किया 1000 यूनिट्स का, और उन 1000 यूनिट्स के इस पूरे बैच पे मैं नंबर लिख दूंगा, बैच नंबर वन, बैच नंबर वन, बैच नंबर वन, वो 1000 बन के आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट 1000 यूनिट्स बनाना शुरू करूंगा बैच नंबर टू के नाम से, फिर नेक्स्ट 1000 यूनिट बनाना शुरू करूंगा बैच नंबर थ्री के नाम से, ये बैच नंबर थ्री है। अब मान लीजिए मेरा कोई इंग्रेडिएंट खराब हो गया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि सर बैच नंबर थ्री की जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैं बैच नंबर थ्री का जो मेडिसिन बना था ना उसमें गड़बड़ हुआ है, तो आई विल कॉल टू ऑल दी माई कस्टमर जिन्होंने मुझे होलसेल में खरीदा है एंड इन्फॉर्म देम कि बैच नंबर थ्री का मेडिसिन मार्केट में सेल नहीं होना चाहिए, उन्हें उठाइए और वापस भेजिए। इट्स वेरी सिंपल, नाउ इट्स वेरी सिंपल, आउट ऑफ द बल्क ऑफ द मेडिसिन अवेलेबल इन गोडाउन, आउट ऑफ द बल्क ऑफ द क्वांटिटी अवेलेबल इन शॉप, सिंपली वॉट वी हैव टू आइडेंटिफाई सच मेडिसिन on which batch number 3 is mentioned. तो जैसे ही वो मेडिसिन हाथ में आएगी, बैच नंबर 3 सर काम में नहीं लेनी है, वापस भेजनी है, साइड में रख दो, काम खत्म। इट्स वेरी सिंपल। यस,
ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ होता है, जैसा मैंने मेडिसिन का एग्जांपल लिया, ऐसे व्हीकल्स के केस में, मशीन्स के केस में, सब में बैच के साथ चलता है। कई बार सुनते हैं ना, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी कार कॉल बैक की, मतलब उसके सस्पेंशन में, लेटेस्ट अभी कोई न्यूज था, उसके सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, कार के सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ रही, किसी कार के एयर बैग में प्रॉब्लम आ रही, प्रॉपरली खुल नहीं रहा है। तो बोले यार शायद उस पूरे लॉट में गड़बड़ हो, लॉट लॉट बोले तो बैच, तो वो बैच नंबर लिखा होगा उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां अपनी वो कार सेल की थी उसमें वो बैच नंबर सबको फॉर्म इन्फॉर्म कर दिया कि इस बैच नंबर की गाड़ी वापस भेज दीजिए, कस्टमर को सेल नहीं करनी है। ऐसे केसेस में हम बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं। बैच कॉस्टिंग में जो कॉस्टिंग होती है वो एक यूनिट के लिए नहीं और टोटल प्रोडक्शन के लिए भी नहीं, वहां जो कॉस्टिंग की जाती है वो एक एक बैच की कॉस्ट निकाली जाती है। एक बैच मशीन पे आया है, इस बैच के प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालो, इस बैच की कॉस्ट निकालने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो, दैट इज नोन एज बैच कॉस्टिंग। आई थिंक यहां तक बात सभी को समझ में आ गई, इज इट क्लियर? दो हो गए। नेक्स्ट कॉस्टिंग मेथड, नेक्स्ट कॉस्टिंग मेथड इज प्रोसेस कॉस्टिंग। व्हाट प्रोसेस कॉस्टिंग इज सर? जहां प्रोडक्शन मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू होता है, कैसे? जैसे ऑयल का प्रोडक्शन, पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन कैसे होता है? सर सबसे पहले क्रूड आता है, सबसे पहले क्रूड ऑयल आता है, इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल गैसोलिन निकाला जाता है, फिर इनको फर्दर प्रोसेस करके पावर पेट्रोल बनाया जाता है, पावर डीजल बनाया जाता है, और गैस से आपका एलपीजी और सीएनजी अलग अलग बनाया जाता है। क्या हो रहा है? पहले यहां एक प्रोसेसिंग है, फिर यहां एक प्रोसेसिंग है, दो अलग अलग पार्ट में। और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस होते हैं। मैं एक फर्नीचर का एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए बेस्ट, जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा, चीज बहुत सिंपल है। फर्नीचर का एग्जाम्पल लेते हैं, वुड आया, वुड को डिपार्टमेंट वन में भेज दिया गया, सर क्या करना है? सर इसको सफाई करना है, सर इसका सफाई करना है, कटिंग करना है, और एक स्पेसिफिक शेप में इनको आपको पीसेस करना है। ओके सर, कर दिया, कर दिया सर, भेज दीजिए दूसरे डिपार्टमेंट को। वो क्या करेगा सर? वो करेगा इसको फर्नीचर में शेप, इसको रॉ फर्नीचर में शेप देगा। फर्नीचर में शेप देने का मतलब सर इससे वो चेयर्स एंड टेबल्स बनाएगा, रॉ चेयर्स एंड टेबल्स बना दिया सर। इसको बोला भेज दीजिए थर्ड डिपार्टमेंट को, थर्ड प्रोसेस को। ये क्या करेगा सर? ये उन फर्नीचर्स पे जो आपने बनाए उन पे पॉलिश और ये सारा काम करके उस पे कुशंस लगाएगा, व्हील्स लगाएगा, जहां जैसी रिक्वायरमेंट है, और फिर सर यहां से सेल कर दी जाएगी। अच्छा, क्या यहां से भी सेल हो सकता है? हाँ सर, यहां से भी हम सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि सर ऐसे कई ऑफिसेज हैं, ऐसे कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे रॉ फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है, सर पॉलिश करके भेज दो काफी है, कुशन्स एंड व्हील्स और ये सब हमें लग्जरी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी सेल हो सकती है। अब यहाँ पे जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी वो पूरे प्रोडक्ट की, यहां तक की एक साथ कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती। यहाँ पे जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, इस पार्ट पे अलग कैलकुलेशन, इस पार्ट पे अलग कैलकुलेशन, इस पार्ट पे अलग कैलकुलेशन। ऐसे प्रोडक्ट जो प्रोसेस से पास ऑन होके नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस से पास ऑन होके नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं और फिर फाइनल आउटकम में कन्वर्ट होते हैं, वहां पे हमें एक डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, वहां पे एक डिफरेंट कॉस्टिंग प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट डिफरेंट कॉस्टिंग प्रोसेस और सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। समझ में आया प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ कर रहे हैं? यस सर, जहां पे हमारा प्रोडक्ट फैक्ट्री में गया और बन के बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। हमारा प्रोडक्ट फैक्ट्री वन में जाता है, बनता है,
फिर वो फैक्ट्री टू में जाता है, फिर वहां फिर उस पर और काम होता है, फिर वो फाइनल फैक्ट्री में जाता है जहां वो फिनिश बनता है, और फिनिश होने के बाद बाहर सेल होने जाता है प्रोसेसेस से पास ऑन होके, अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं उस पर, तो उसे हम जिस कॉस्टिंग के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, दैट कॉस्टिंग मेथड इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ख्याल है, बात सभी को समझ में आ गया है? डेफिनेटली आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, यू ऑल आर ओके विद इट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम? ये हम कहते हैं, इसे हम सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। सर्विस कॉस्टिंग मतलब, सर जरूरी नहीं है ना कि हमारे सारे प्रोसेस या प्रोडक्शन में आउटपुट बन रहा हो, ऐसे सारे यूनिट्स जो प्रोडक्शन का नहीं सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लाइक व्हाट टेलीकॉम सेक्टर इज डूइंग, सर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट ट्रेवल एजेंसीज आर डूइंग, सर ट्रेवलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज डूइंग, सर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कैब सर्विस मिल रहा है, ये सब क्या है? सर्विसेस। अब जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, उसके ना तो रॉ मटेरियल होता है, ना उसका कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ना ही कोई फिनिश्ड आउटपुट बनता है, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी और उसकी कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड होगी? फॉर दैट वी नीड अ डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम, फॉर दैट वी नीड अ डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम, डिफरेंट कॉस्टिंग मैथड, एंड दैट मैथड इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। तो वेरी मच क्लियर, जहां भी सर्विस सेक्टर है, जिनका काम सर्विस प्रोवाइड करने का है, जहां कोई रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आउटपुट एस सच कोई चीज नहीं होता, उनकी कॉस्टिंग का तरीका डिफरेंट तरीका यूज किया जाएगा, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम से क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपका प्रोडक्शन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, वहां हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एवरी जॉब इज स्पेसिफिक वन, जहां पे हम कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पे उसका प्रोडक्शन तैयार करके देते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना है सर, ऑब्वियसली कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पे बनेगा, तो बिल्डिंग बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, वेसल्स, वेसल्स बनाना है, मुझे शिप चाहिए, मुझे एक प्लेन मैन्युफैक्चर करना है, ये सब क्या है? ये स्पेसिफिक प्रोडक्शंस है, जहां एग्जैक्टली कस्टमर्स स्पेसिफिकेशंस को फॉलो किया जाता है, हर कस्टमर की यूनिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके एक आउटपुट डिजाइन करके हम उसे डिलीवर करते हैं और उससे अपना सेलिंग प्राइस चार्ज करते हैं। वहां पे जो कॉस्टिंग सिस्टम, कॉस्टिंग मेथड हम यूज करते हैं, दैट कॉस्टिंग मेथड इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सिस्टम। कंस्ट्रक्शन है, हर कंस्ट्रक्शन के केस में वहां पे कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा? आप स्पेसिफिक एक अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, वो उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए होंगे, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे कितना मटेरियल आ रहा है, लेबर आ रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं, वो सब हम वहीं कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे वहां का हम सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें अपने कस्टमर से कितना चार्जेस लेना है। So there we will use contract costing. So specifically five broader different areas हो गए। सबसे पहले हमने बात की job costing की, small jobs, individual। सर contract और job फिर similar सा है, बिल्कुल almost similar है, but difference बहुत बड़ा है। Job costing में भी individual customer specified production होता है, service होता है, contract costing में भी customer specified specific प्रोडक्शन होता है, लेकिन जहां स्मॉल टास्क होते हैं उन्हें हम जॉब कॉस्टिंग पे डालते हैं, और जहां बिग लार्ज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग टास्क होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे डालते हैं। बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग जहां प्रोसेसेस में प्रोडक्शन होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर सर्विस सेक्टर, एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी लार्ज जॉब्स, कंस्ट्रक्शन जॉब्स स्पेसिफिकली।
तो ये हो गए आपके सारे कॉस्टिंग मेथड्स, और हर मेथड में कौन सा यूनिट, कुछ एग्जांपल्स यहां हम लिस्ट ले लेते हैं जो यहां प्रोवाइडेड है कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है। वी हैव अ लिस्ट हियर। फर्स्ट वन, शुगर इंडस्ट्री। शुगर, शुगर केन आएगा, प्रोसेस होगा, मोलासेस निकलेगा, फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग होगा, फिर उससे शुगर मैन्युफैक्चर होगी, फिर वो रिफाइन होगी, प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग। टॉय मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज, सारे टॉयज एक जैसे ही बनते हैं, लेकिन फिर वो सारे टॉयज एक जैसे बनते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉय या एक पर्टिकुलर लॉट में कुछ गड़बड़ हुआ तो सारा प्रोडक्शन थोड़ी खराब करेंगे, तो हम वहां बैचेज में बनाते हैं, बैच कॉस्टिंग। स्टील एंड सीमेंट प्रोसेस। बाइसिकल, बाइसिकल यहां पे आप मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होता है सर, मल्टीपल कॉस्टिंग होता है कि जहां पे आप एक से ज्यादा मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। बाइसिकल में आप प्रोसेस कॉस्टिंग भी लगा सकते हो, बाइसिकल में आप बैच कॉस्टिंग भी लगा सकते हो। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यहां भी मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम यूज हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में आप बैच कॉस्टिंग लगा सकते हो, और एयर जहां नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बनानी है बैच कॉस्टिंग लगा सकते हो, या फिर आप यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगा सकते हो। प्रिंटिंग जॉब, हॉस्पिटल सर्विस है। फार्मास्यूटिकल बैच, बात कर चुके हैं, बैच भी लग सकता है यहां पे। ब्रिवरेजेस सिंगल यूनिट, आउटपुट कॉस्टिंग विल डिस्कस। कैंटीन सर्विस कॉस्टिंग। हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड बिल्डिंग है तो कंस्ट्रक्शन, और रोड ट्रांसपोर्ट है तो सर्विस। रेडीमेड गारमेंट बैच कॉस्टिंग। सॉफ्ट ड्रिंक प्रोसेसेस के थ्रू बनती है सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोसेस कॉस्टिंग। कोल सिंगल एंड आउटपुट। ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। ब्रिक्स सिंगल आउटपुट। इंटीरियर डेकोरेशन जॉब है ये, हर घर का इंटीरियर अलग तरीके से, हर ऑफिस का इंटीरियर अलग तरीके से, कस्टमर स्पेसिफाइड, तो जॉब कॉस्टिंग। कॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एडवर्टीजमेंट अगेन स्पेसिफाइड बाय कस्टमर, जॉब कॉस्टिंग। सोप इंडस्ट्री प्रोसेस के थ्रू बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस है। फाउंड्रीज जॉब है। ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग, ऑडियो वीडियो मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल चलाइए, जॉब की फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं और बैचेस में भी जा सकती है। तो ये कुछ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हमने यहां पे डिस्कस किया, और इसी डिस्कशन के साथ आज का डिस्कशन हम यहां खत्म करते हैं। सो इन टुडेज डिस्कशन हमने आज की क्लास में कुछ टाइप ऑफ कॉस्ट जो पेंडिंग था वो कंप्लीट किया, और मेथड ऑफ कॉस्टिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सिस्टम और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग करने का तरीका। ये थे मेथड्स, नाउ हम टेक्निक की बात करेंगे। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग दैट मींस कॉस्ट एनालिसिस का तरीका, कॉस्ट इंटरप्रिटेशन का तरीका, किस तरह से हम रिकॉर्डेड कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, उनकी टेक्निक्स की बात करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।